Hello everyone. So today we'll discuss about a new crop, sugar beet. Sugar beet को देखो चुकंदर या मीठे चुकंदर के नाम से भी जाना जाता है. Beta vulgaris इसका साइंटिफिक नेम और इसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं. Sugar beet is a temperate crop and is mainly cultivated in the temperate countries where sugar cane cultivation is not feasible. तो मतलब जहाँ पर sugar cane को cultivated नहीं किया जाता है तो उसके बिहाफ में सुगर बीट को ग्रो किया जाता है. सुगर बीट इज अ प्लांट हुज रूट कंटेंट अ हाई कॉन्सेंट्रेट ऑफ सुक्रोज. जो मेनली जो कंटेंट पाया जाता है सुगर बीट में वो क्या होता है, सुक्रोज. कॉमर्शियली ग्रोन फॉर सुगर प्रोडक्शन. जैसे सुगर केन को प्रोडक्शन सुगर के प्रोडक्शन के लिए ग्रो किया जाता है, वैसे ही सुगर बीट को भी मेनली जो पर्पज है इसका वो क्या है, सुगर का प्रोडक्शन करना. उसके बाद इसके एक दो यूजेज और हैं, एनिमल को फीडिंग करने के लिए और ग्रीन मैन्योर के लिए भी इसको यूज़ में लिया जाता है. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुगर क्रॉप्स आफ्टर सुगर कैन अकाउंटिंग फॉर अबाउट 22% वर्ल्ड सुगर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन 45 कंट्रीज. तो सुगर कैन के बाद इसका सेकेंड नंबर आता है. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि अगर वर्ल्ड के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रोडक्शन होता है वो रशिया में होता है सबसे ज़्यादा. सुगर बीट रूट कंटेंट्स 15-20% सुक्रोज. सुगर बीट में कितना सुक्रोज पाया जाता है, 15-20%. इन द प्रोसेस ऑफ सुगर एक्सट्रैक्शन 12-14% रिकवरी इज पॉसिबल. अनलाइक सुगर कैन वेयर सुगर एक्सट्रैक्शन इज डन थ्रू द मिलिंग प्रोसेस, द सुगर फ्रॉम द बीट इज एक्सट्रैक्टेड बाई डिफ्यूजन प्रोसेस. तो इसको कौन सी प्रोसेस के द्वारा, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा सुगर का प्रोडक्शन किया जाता है. द बीट रूट आर वॉश्ड एंड कट इनटू द स्लाइसेस. दीज स्लाइसेस आर पुट इनटू हॉट वाटर विच सोक द सुगर आउट एंड फॉर्म्स सिरप. द सिरप इज देन प्यूरिफाइड, फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड अगेन. फाइनली इट इज ड्राइड टू सुगर विच इज पैकेज एंड मार्केटेड. तो इसकी जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम स्लाइसेस में काट कर देते हैं इसको, उसके बाद हॉट वाटर में डालते हैं, उसके बाद जो सिरप आता है उसका उसको क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, फिर फिल्टर करने के बाद उसको बॉइल करते हैं फिर से, और लास्ट में उसको ड्राई करके उससे शुगर बना ली जाती है, और आफ्टर दैट उसको पैकेजिंग करके और मार्केट में एज अ शुगर सेल किया जाता है. सो इसके यूजेज की हम बात कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम शुगर एथेनॉल कैन आल्सो बी एक्सट्रैक्टेड. तो जैसे कि शुगर कैन को भी हम बायोडीजल के लिए यूज़ में लेते थे या फिर बायोफ्यूल के लिए भी यूज़ में लेते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम शुगर बीट को भी यूज़ में ले सकते हैं. एथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड विद पेट्रोल और डीजल टू द एक्सटेंट ऑफ 10% एंड यूज एज अ बायोफ्यूल. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ शुगर बीट. फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर विटामिन B12 प्रोडक्शन. तो इसको विटामिन B12 के लिए भी दवाइयाँ बनाने में काम में लिया जाता है. बीट टॉप यूज एज अ ग्रीन फोडर. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनिमल फीडिंग के लिए भी काम में लिया जाता है, क्योंकि जब इसको जैसे शुगर प्रोडक्शन के लिए यूज़ में लेते हैं तो जो अप टॉप पार्ट होता है उसको एनिमल को फीडिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है जनरली. बीट पल्प यूज एज अ कैटल फीड. तो जानवरों को इसका पल्प भी यूज़ में ले सकते हैं देने के लिए. शुगर बीट बींग अ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप. तो ये क्या, एक साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है. कैन आल्सो बी ग्रोन इन सेलाइन सॉइल वेयर अदर क्रॉप्स फेल टू ग्रो. तो जहाँ पर मतलब सेलाइन सॉइल्स में दूसरी क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जा सकता है वहाँ पर शुगर बीट को आसानी से ग्रो किया जा सकता है. इट इज़ अ मेल्योरेट्स साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स एंड प्रोमोटिंग सॉइल फर्टिलिटी. तो एक तरीके से इसके जो यूजेज है उसमें इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को इनक्रीज करने के लिए भी बेनिफिशियल है, और साथ में जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करती है. उसके बाद बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की हम बात कर लेते हैं कि प्लांट की बॉटनी कैसी होती है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. सो फैमिली की हम बात करें तो चीनोपोडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इस प्लांट की अगर हम बात करें बाइनली प्लांट है, द्विवर्षीय, बट यूजली कल्टिवेटेड एज अ एनुअल फॉर इट्स शुगर. रूट्स कैसा होता, रूट सिस्टम कैसा होता है, जैसा टेप रूट सिस्टम होता है, जैसे कि चिकपी में मैंने आपको बताया था, इधर से और भी अदर क्रॉप्स में टेप रूट सिस्टम देखा जा सकता है, कैरेट. उसके बाद स्टेम की हम बात करें, रिड्यूस इन साइज कंडेंस्ड. लीव्स की हम बात कर ले तो इसकी ट्राइफोलेट सिंपल एंड स्मूथ विद अ लार्ज ब्लेड एंड पेटियोल.
इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम की हम बात करें तो कैसा होता है इसमें, टर्मिनल ओपन पेनिकल, फ्लावर्स आर इम्परफेक्ट रेगुलर विद पेटल्स, विदाउट पेटल्स, सोइल एंड क्लाइमेट की हम बात कर लेते हैं, मृदा और जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, जहाँ पर मतलब जो टेम्परेट कंडीशन होती है कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, बेसिकली रबी सीजन की क्रॉप है तो कोल्ड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए। एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें 300 to 350 mm, जर्मिनेशन टेम्परेचर के जर्मिनेशन के लिए एक प्रॉपर क्रॉप के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है कि उस टेम्परेचर पर वो क्या होती है जर्मिनेट होती है। तो सुगर बीट की हम बात करें तो 15 degrees centigrade लगभग 15 degree तापमान इसको जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर एक अच्छे जर्मिनेशन के लिए या एक अच्छे एस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए। आइडियल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 20 to 22 degrees centigrade टेम्परेचर, मोर देन 30 degrees centigrade रिटार्ड सुगर एक्यूमुलेशन। देखो अगर जनरली मैं बात करूं तो लगभग 12 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक टेम्परेचर में इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। वेल ड्रेन सैंडी लोम टू क्ले लोम सोइल्स, तो जितनी भी जो ट्यूबर्स जैसे कि ट्यूबर्स क्रॉप होती है या रूट वाली जो क्रॉप होती है उसमें सैंडी लोम सोइल्स वेरी बेस्ट। सोइल पीएच की अगर हम बात करें तो 9.5 तक क्या हो सकती है इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है इस वाली वैल्यू तक। फील्ड प्रिपरेशन की हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि भूमि की तैयारी कैसे करें। सो वन डीप प्लोविंग विद एमबी प्लाउ फॉलो बाय टू टू थ्री क्रॉस हैरोइंग्स, तो अपने को क्या करना है एमबी प्लाउ से दो एमबी प्लाउ से एक डीप प्लाउविंग करनी है और उसके साथ 2 to 3 times क्रॉस हैरोइंग करनी है। प्लैंकिंग शुड बी डन आफ्टर प्लोविंग, प्रॉपर लेवलिंग इज डन सो दैट वाटर मे नॉट स्टैंड इन फील्ड। देखो दोनों चीज़ें, एक तो फील्ड टाइम की भी अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि वाटर बिल्कुल भी स्टैंड नहीं होना चाहिए जब हम मतलब लेवलिंग कर रहे हैं फील्ड की, तो उस टाइम पर अपने को ये ध्यान रखना है तो लेवलिंग को इस टाइप से किया जाए कि उसमें वाटर स्टैंड नहीं हो, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड एंड सोइंग की। इट कैन बी प्लांटेड ऑन रोज फ्लैट बेड और ऑन 15 centimeter हाई रिजेज फ्रॉम 50 centimeter अपार्ट। सीड डेप्थ लगभग जो बीज की गहराई रखनी है बुवाई के समय वो 2.5 centimeter 2.5 centimeter रखनी है अपने को। सोइंग इज डन बाय डिबलिंग मैनुअली और बाय ड्रिलिंग। सीड रेट रिक्वायर 6 packets ऑफ सीड्स 3.6 kg पर हेक्टेयर, तो 3.6 kg तो इसकी क्या है सीड रेट है और लगभग 6 packets अपने को यूज़ में लेने हैं क्योंकि 1 packet में 600 gram सीड्स निकलते हैं और उसमें लगभग 20,000 सीड्स 1 packet में। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इज 1 lakh to 120 पर हेक्टेयर, मतलब 1 lakh to 1,20,000 पर हेक्टेयर इसके प्लांट होने चाहिए 1 hectare में। स्पेसिंग की हम बात करें 15 centimeter एंड 20 centimeter। सोइंग टाइम की हम बात करें सबसे बेस्ट टाइम जो होता है इसके लिए अक्टूबर 15 से और नवंबर 10 तक आर फाउंड टू बी ऑप्टिमम, सबसे बेस्ट टाइम है इसका। उसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की हम बात कर लेते हैं, इसमें कितना अपने को मैन्योर्स देना है और कितने फर्टिलाइजर्स देने, लगभग 12 टन के आसपास अपने को FYM वगैरह देना है एज अ बेसल एप्लीकेशन। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ में ले सकते हैं एजोस्पेरिलम और फॉस्फोर बैक्टीरिया 2 kg पर एकड़ के अकॉर्डिंग। फर्टिलाइजर्स NPK की अगर हम बात करें तो 120, 80 और 80 to 100 लगभग 120 kg तो अपने को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाना है जिसमें से 60 kg तो एज अ बेसल डोज और 30 kg ड्यूरिंग थिनिंग और 30 kg एट द अर्थिंग, जब हम अर्थिंग अप करते हैं क्रॉप में तब देना है अपने को, तो 60 और 30 और 30 120 हो जाएगा। उसके बाद 80 kg फॉस्फोरस पर हेक्टेयर और 80 से 100 kg पोटेशियम पर हेक्टेयर अपने को देना है। तो इस तरीके से इसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अपने को करना है। उसके बाद थिनिंग, द मल्टी जम सीड्स ऑफ सुगर बीट गिव राइज टू अ नंबर ऑफ सीडलिंग्स एंड हैंस इट इज़ नेसेसरी टू थिन डैम टू मेंटेन ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। थिनिंग इज डन आफ्टर 30 days द अर्थिंग अप ऑपरेशन कंसाइज विद टॉप ड्रेसिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो अपने को जो थिनिंग करनी है, देखो थिनिंग जो मेनली की जाती है प्लांट की पॉपुलेशन को कम करने के लिए की जाती है या ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के लिए की जाती है, तो लगभग 30 days के बाद करनी है क्योंकि एक कैसी है कैसे सीड्स होते हैं इसके मल्टी जर्म होते हैं, मल्टी जर्म का मतलब एक तरीके से उसको ज़्यादा ग्रो होना। उसके बाद
द अर्थिंग अप ऑपरेशन कंसाइज विद द टॉप ड्रेसिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। वाटर मैनेजमेंट की हम बात कर लें तो लगभग 7 से 8 सिंचाइयाँ अपने को इसमें करनी होती है डिपेंडिंग अपॉन द सीजनल। 1 to 2 इरीगेशन बिफोर थिनिंग, लगभग जब हम थिनिंग नहीं करते हैं उसके पहले अपने को 2 सिंचाइयाँ देनी है। सबसिक्वेंट इरीगेशन एट इंटरवल ऑफ 20 to 25 डेज, लगभग फिर 20 से 25 दिन के अंतराल में अपने को बाकी सिंचाइयाँ करनी है। सुगर बीट इज सेंसिटिव टू द इनएडिक्वेट क्वेडेसी ऑफ वाटर, सो टाइमली इरीगेशन इज नेसेसरी। वाटर डज नॉट रिमेन स्टैंड इन द फील्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स। तो मैंने जब आपको फील्ड प्रिपरेशन के बारे में बताया था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि लेवलिंग को इस तरीके से किया जाए कि वाटर स्टैंड बिल्कुल भी नहीं हो, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद वीट कंट्रोल की हम बात कर लेते हैं। सुगर बीट क्रॉप इज केप्ट वीड फ्री फॉर फर्स्ट 35 टू 45 डेज, लगभग 35 से लेकर 45 दिन तक अपने को ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो कोशिश कि वीट कम से कम हो अपने फील्ड में, अदरवाइज कॉम्पिटिशन विल बी इंक्रीज एंड योर प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज। 3 to 4 हैंड वीडिंग, लगभग 3 से 4 अपने को हैंड वीडिंग लेनी है इसमें, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स एंड पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस में आपको बता दूं, आफ्टर द सोइंग बट बिफोर द जर्मिनेशन, जो पायरामिन हम यूज में लेंगे वो कब लेंगे, आफ्टर द सोइंग बट बिफोर द जर्मिनेशन, मतलब एक तरीके से मिड में अपने को यूज में लेना है। उसके बाद पोस्ट इमरजेंस में हम बात करें तो बेटनल को पोस्ट इमरजेंस के लिए यूज में लेना है। 2 kg पर हेक्टेयर 600 to 1000 लीटर वाटर में डिजोल्व करके उसको स्प्रे करना है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आपको वीड मैनेजमेंट करना है प्री और पोस्ट, और इंटरकल्चर ऑपरेशंस करने हैं, हैंड वीडिंग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज एंड इंसेक्ट एंड पेस्ट। डिजीज में हम पहली बात कर लेते हैं तो रूट रोट इसकी मेन डिजीज है, जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म स्केलेरोरोटियम रोल्फ्सी। इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने को क्या करना है, ब्रेसिकोल को जब हम इरिगेशन देते हैं तब उसके साथ में ड्रेंचिंग करना है क्रॉप में इरिगेशन के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म सर्कोस्पोरा बेटिकोला, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं 22 टीम से एट द रेट 0.75 kg अपने को यूज में लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट का, कौन कौन से इसमें इंसेक्ट लगते हैं, ग्रासी कटवॉम, बिहार हैरी कैटरपिलर, सुगर बीट आर्मी वॉम। उसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट एंड फाइनल बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड की, डन फ्रॉम मार्च एंड टू मई एंड डिलेड अप टू मिड जून। तो ये वाला जो टाइम चल रहा है इस टाइम पर क्या की जाती है कि सुगर बीट की हार्वेस्टिंग की जाती है। रूट्स कैन बी लूजन इन द सोइल बाई एमबी प्लाउ, जैसे कि जितनी भी अंडर द सोइल्स वाली जो क्रॉप होती है उसको क्या करते हैं एमबी प्लाउ से हम जनरली निकालते हैं बाहर। आफ्टर कलेक्शन द टॉप्स एंड क्राउन आर कट्स ऑफ फ्रॉम द रूट्स। तो जो मेन रूट्स होती है उससे अलग कर लिया जाता है इसको, और उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है किसके लिए, सुगर प्रोडक्शन के लिए। नाउ रूट्स आर रेडी टू बी सेंड टू फैक्ट्री यील्ड्स। यील्ड की हम बात करें तो उपज कितनी होती है, लगभग 500 टू 700 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये सब सुगर बीट के बारे में था। इसके अगर मैं ओरिजन की बात कर लेता हूँ तो इसका जो ओरिजन है मेडिटेरियन रीजन, और पर्सिया हम बोल सकते हैं, पर्सिया इसका जनरली माना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सुगर बीट। आई होप यू लाइक माई वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।